गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में लेसन 3 वेदर एंड क्लाइमेट्स के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं और मैच द फॉलोइंग। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इट्स अ लास्ट क्वेश्चन, ओके। ये वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में ही करना है, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए, पेज नंबर 2121। क्वेश्चन 8, हाउ डज द विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। आई रिपीट इट अगेन, हाउ डज द विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। आंसर है द ऑफशोर, ब्रैकेट में लिखिए लैंड, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द वार्म एरियाज विल बी वार्म एंड ड्राई। फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ, द ऑफशोर OFFSHORE ब्रैकेट में LAND लैंड, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम वार्म एरियाज विल बी वार्म एंड ड्राई। अब ये क्वेश्चन आंसर आपके आज फिनिश हो गए। बच्चा, हम लोग ने इस लेसन में टिक द करेक्ट आंसर्स किए थे, अब हमारा बच्चे हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ओके। अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। पेज नंबर 2020 में लिखा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ओके। कॉलम ए ह्यूमिडिटी, कॉलम ए ह्यूमिडिटी, इसका राइट आंसर है मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। इसका राइट आंसर क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। जहां आप लोग ह्यूमिडिटी लिखोगे उसके जस्ट सामने मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर लिखना, लाइन से मैचिंग कोई भी नहीं करेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए की हुई है, बट आप अपनी फेयर नोटबुक में जहां ह्यूमिडिटी लिखी है उसके सामने ही लिखेंगे मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। नंबर टू क्लाइमेट, नंबर टू क्लाइमेट, क्लाइमेट का क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। नंबर थ्री वेदर, नंबर थ्री वेदर, वेदर का क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ स्मॉल पीरियड, बी वाला, एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ स्मॉल पीरियड। नंबर फोर कोस्टल एरियाज, नंबर फोर कोस्टल एरियाज, तो इसका क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट। नंबर फोर वाले का क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट। लास्ट वन है एल्टीट्यूड, इसका है हाइट अबव सी लेवल, हाइट अबव सी लेवल, ओके। ये आपके मैच द फॉलोइंग कॉलम्स हो गए। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर किसी का नहीं कंप्लीट हो पाया तो फिर वो दोबारा कर ले। फर्स्ट है ह्यूमिडिटी, उसका डी से मैच करेंगे, फर्स्ट वाले को डी से मैच करेंगे मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, ओके। नंबर टू है क्लाइमेट, नंबर टू क्लाइमेट को ए से मैच करेंगे एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। नंबर थ्री है वेदर, नंबर थ्री है वेदर, वेदर वाले को हम बी से मैच करेंगे, वेदर को हम बी से मैच करेंगे एटमॉस्फेरिक चेंजेस ओवर अ स्मॉल पीरियड। क्लाइमेट में क्या था? लॉन्ग पीरियड, और वेदर में क्या है? स्मॉल पीरियड, ये डिफरेंस है दोनों में। नंबर फोर है कोस्टल एरियाज, नंबर फोर है कोस्टल एरियाज, इसको फोर को ई से करेंगे, कोस्टल एरियाज को किससे करेंगे? ई से, मॉडरेट क्लाइमेट, ओके। क्या लिखेंगे? मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट क्लाइमेट। नंबर फाइव है आर्टिट्यूड, ALTITUDE, ALTITUDE, उसको फाइव वाले को सी से मैच करेंगे हाइट HEIGHT, हाइट अबव ABOVE, अबव सी लेवल, CSEACLEVEL लेवल, ओके स्टूडेंट्स। ये अब आपका मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। आज ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में
लेसन फोर करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स. ओके.